सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो घिनौना कृत किया है, 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने का झूठा वादा किया, घोषणा पत्र में वादे किए, लेकिन वो किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे वो हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह देते हैं 23,749 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का पेट आज भी भूखा है, जो पूर्व में विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक के रूप में रहे और 14-15 सालों से इन्होंने लंबी सेवाएं दी हैं। इनके पूरे पुराने अनुभव खत्म कर दिए, नए अनुभव भी नहीं जोड़ रहे, उन पुराने अनुभव खत्म कर दिए, उसके बाद इनका स्थायीकरण कहीं भी नहीं हो रहा है। सरकार झूठा ढिंडोरा पीट रही है और हजारों लाखों के स्कार बांट कर कैरियर स्थायी कर रहे हैं। आज तमाम प्रदेश के जो लीडर हैं, आज सारे लोग एक जाजम पर हैं। थोड़ी देर में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी भी हमारे बीच होंगे और बड़ी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री जी को घेरने की रूपरेखा है। पिछली बार भी CMR कूच किया, 3-लेयर सिक्योरिटी, महिला कांस्टेबल लोग आगे करके हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे बीच में आज सैकड़ों माता बहनें भी आई है। अगर आज महिला कांस्टेबलों को राजस्थान सरकार को खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कह देना चाहता हूँ, राजस्थान की खाकी वर्दी DGP साहब को कह देना चाहता हूँ, अगर आप महिला कांस्टेबल लगाना चाहते हो तो हमारी भी माता बहनें आज सैकड़ों में आएंगी, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आज राजस्थान की सरकार को हम बता देंगे कि पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों में वो ताकत है कि अपना स्थायीकरण लेना जानती है। सरकार ने जो झूठे वादे किए कि 1,10,000 को संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया, जबकि मुझे नहीं लगता उसमें 8 से 10 संविदा कर्मी भी स्थायी नहीं हो रहे, कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं बनाया। संविदा से संविदा में डालने का, कुएं से बावड़ी में डालने का काम राजस्थान सरकार ने किया है और राजस्थान को सरकार को खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं। आज हमारे प्रदेश के तमाम लीडर यहाँ एक मंच पर है। थोड़ी देर में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जो संयुक्त मोर्चा के पूर्व विद्यार्थी मित्रों के अध्यक्ष रहे वो भी आएंगे और जो तमाम लीडर्स हैं वो सब लोग आकर आज मुख्यमंत्री निवास का कूच का मानस बनाकर आए। हम लोग सब एक छत के नीचे आज बड़ा निर्णय लेंगे। अब ये सरकार को तय करना है कि वो हमें स्थायी करती है या फिर आचार संहिता तक इस आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत। मालपुरा ब्लॉक से आया हूँ, डिग्गी कल्याण जी की नगरी से। हम तो सरकार से एक ही मांग है कि 2018 के जो इनका घोषणा पत्र था उसमें 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर नियमितीकरण किया जाए सभी का, और इसी मांग के अनुसार हम आए हैं। हमारे साथ सभी ये सैकड़ों 23,749 का नियमितीकरण हो, यही हमारी मुख्य मांग है और किसी अन्य मांग का हम समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए सभी का पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक जो कार्य कर रहा है 5 साल से, आज इनकी हर योजनाओं में, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनाओं में हमारे सभी साथी नियमित धरातल पर इनकी योजनाओं को सफल बनाने का कार्य हमारे साथी कर रहे हैं, तो हम नियमितीकरण में पीछे क्यों रहेंगे? क्या मदरसा पैरा टीचर अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ये योजना ला रहे हैं, या क्या अल्पसंख्यकों को उनके वोट बैंक की राजनीति के खातिर नियमितीकरण कर रहे हैं? ये बहुसंख्यकों के साथ अन्याय है। हमने 5 साल दिन रात सेवाएं दी है, इसलिए सभी का परमानेंट किया जाए जिन्होंने 5 सेवाएं नियमित रूप में की है, वो चाहे पंचायत शिक्षक हो, विद्यालय सहायक हो या अन्य कोई सुविधा कार्मिकों को, 1,10,000 सुविधा कार्मिकों का नियमितीकरण इसी सरकार के द्वारा आचार संहिता से पहले किया जाए। ये नहीं है कि केवल 10-12 हज़ार सुविधा कार्मियों को नियमितकरण करके वोट बैंक की राजनीति कर ले। गहलोत सरकार को स्पष्ट शब्दों में है, अगर हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ तो उनको एक वोट नहीं मिलेगा, कहीं से भी हर जगह विरोध होगा, उनका एक विधायक नहीं आने देंगे। ये रामजीलाल कुमार पंचायत विद्यालय सहायक मालपा ब्लॉक से हूँ। एक विधायक नहीं आएगा अगर हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ तो। माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी 8 से 8 काम होता है वो संविदा कर्मी को पकड़ा देते हैं, है ना मैडम, आपको ये करना है, सर आपको ये करना है, जो भी काम है ना उसको हम 100% करके देते हैं, लेकिन जहाँ सैलरी की बात आती है वहाँ थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ा देते हैं हम लोगों के लिए। उससे क्या हमारा इस महंगाई में घर परिवार चल पाएगा? है हम लोगों में फूट डाल दी, ट्रेंड एंड ट्रेंड की बात कर दी। जहाँ बीमा की बात आती है 25 लाख के बीमा फ्री में बांट रहे हैं, मोबाइल फ्री में बांट रहे हैं, गेहूँ वगैरह फ्री में बांट रहे हैं, उनका क्या? हम तो अपने काम का दाम मांग रहे हैं, हमारी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, हमें कम से कम अच्छा तो पैसा दिया जाए ना, है हर काम के लिए। हम लोगों के परिवार भी हम ना मेहनत इतनी करते हैं कि हमें दाम भी उसके हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन सरकार झूठे पर झूठे वादे करे जा रही है। उस वादे का क्या करे? कभी हमारी भावना के बारे में सोचे, समझाए कि हमारा दिल क्या कहता होगा, है हमारे घर परिवार वालों की हालत को जाना है कि आपने बस हमेशा है ना 4 पैसे देकर हमें और काम पूरा करवाते हैं, हमारा खून चूस लिया आप लोगों ने। एक बार सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम सबको नियमित करें, अनट्रेंड का खेल, ट्रेंड का खेल इसको बंद करें, और जो भी नियम है सबको बंद करके सिर्फ नियमितीकरण चाहिए हमको। हम लोगों की आवाज है, हम सब एक है और एक ही रहेंगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर देख लेना आपका क्या होगा, आपकी कोई सरकार नहीं आएगी, हमारा कोई परिवार, गांव सब शहर हमारे हैं, हम किसी को वोट नहीं देने देंगे और ना ही आपके लिए मोटिवेशन करेंगे।